Are you ready for today? What is your current state of mind? So basically, what does it mean? Are you actually living your life 100%? लोग सोचते हैं कि मुझे भी एक लेजेंड बनना है, मुझे भी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहिए, आई हैव टू अचीव बिगर एंड ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, एंड वॉट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ सक्सेस? अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वॉट इज द एसेंस? Essence is very simple, दोस्तों. Living every day as a champion is the way to become a champion in your life. Life में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कर क्या रहे हैं? सर, लाइफ में कुछ सीरियसली करना चाहता हूँ. अच्छा, वेरी गुड. तो आप कर क्या रहे हैं? सर, लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए मेरा सोच है, मेरी बड़ी बड़ी सपने हैं और मैं अभी एक नौकरी में. अगर आप नौकरी में रहेंगे तो वहां पर आपको ड्रीम्स अचीव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है ना. तो वो कहते हैं कि हाँ सर, इसी चीज के बारे में पिछले 4-5 साल से सोच रहा हूं. देखिए, मन कहीं और दिल कहीं और इसी को शायद हम कहते हैं कुरुक्षेत्र, एक संघर्ष. वो कहते हैं अगर आपको सक्सेसफुल बनना चाहिए, दिल, ध्यान और दिमाग लाइक अर्जुन इन महाभारत एक ही चीज पर होना चाहिए. जो भी काम हम करते हैं उसको ईश्वर की तरह हमें देखना चाहिए. वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप. जब सचिन ने कहा कि मैं जब मैदान में उतरता हूं, मुझे मंदिर में जाने का एक भावना मेरे अंदर आती है, तो इसीलिए ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट. लुक एट द कनेक्शन. जब आप अपना काम जो है उसको इतना रेस्पेक्टफुली, इतनी रेस्पेक्टफुल भावना से जब आप देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम द गॉड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ड्रग सेलिंग के अंदर सफलता यानी कामयाबी पाने की बात हो रही है यहां पर. सो डेफिनेटली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, देखिए, दिल, ध्यान और दिमाग एक ही चीज पर होना चाहिए.